कितनी शर्म की बात है कि हमारा देश अभी पुलवामा के हमले से उबरा भी नहीं था, और इधर भाजपा सरकार पाकिस्तानी कंपनी हब पावर कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा ले रही थी। इस सरकार को असली मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू मुद्दे पर। ये सरकार ज़्यादातर धार्मिक और हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देती है। ये सरकार को महंगाई पे ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सहदेव जंगल की कटाई हो रही है, उस पे ध्यान देना चाहिए। लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रही है सोनम पांचुक के द्वारा, उस पे ध्यान देना चाहिए। मणिपुर में अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है, उस पे ध्यान देना चाहिए। और ये सरकार लोगों को भटकाने के लिए असली मुद्दे से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। देश में जब भी लोकसभा इलेक्शन आती है तो कहीं ना कहीं दंगा होना जरूरी है। तो पटना में बीजेपी के रैली में पटना स्टेशन पे बम विस्फोट हुई थी। उसी तरह 2019 में जब लोकसभा की इलेक्शन आई, तब फरवरी के महीने में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुई थी। उसी प्रकार अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, तो अभी तो कहीं पे बम नहीं फूटा है, लेकिन एक ऐसा मतलब कहीं ना कहीं दंगा होना जरूरी है। और यह मोदी सरकार लोगों को गुमराह करने की काम कर रही है। कभी नेशनल अवार्ड क्रिएटर रखती है तो कभी कहीं जाती है।